Hello and welcome to the Notes Culture. In today's class, we'll be studying about the insect morphology. अगर insect morphology की बात करें तो हमने insect क्या होता है ये तो समझ लिया. Morphology जो है ये एक science या biology की branch है. अगर इसे दो words में तोड़ा जाए तो पहला word होगा morpho, दूसरा होगा logy. तो morphous मतलब external appearance कैसा है insect का, उसकी जब हम study करते हैं तो उसे morphology कहा जाता है. या अगर हम insect हम क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम इंसेक्ट का एक्सटर्नल अपीयरेंस है बाहर से वो किस तरीके का दिख रहा है उसकी स्टडी करेंगे तो उसे हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कहेंगे. तो हमने देखा था इंसेक्ट की जो बॉडी थी उसे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट से टैग्मा में डिवाइड किया गया था. पहला था हेड, नेक्स्ट इज थोरेक्स एंड द थर्ड वन वॉज एब्डोमेन. तो ये तीन बेसिक टैग्मा या तीन बेसिक सेक्शन थे इंसेक्ट की बॉडी के. हमने देखा हेड, थोरेक्स और जो थर्ड पार्ट है वो है एब्डोमेन. तो ये तीन सेक्शन या तीन टैग्मा है. अब इन तीन सेक्शन से जो टैग्मा है इसमें और अलग अलग सेपरेट पार्ट्स होते हैं, ये सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ अपेंडेजेस यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं. तो पहले हेड की बात करते हैं. अगर हम हेड को देखें तो यहाँ पे अपेंडेजेस के फॉर्म में होगा एक पेयर एंटीनी. तो जो एंटीना होता है ये एक पेयर या दो एंटीना जो है वो इंसेक्ट के सिर में प्रेजेंट होता है. अगर इसका फंक्शन हम देखें तो ये सेंसरी होगा, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंसर्स जो होंगे उन डिफरेंट सिग्नल्स जो होंगे उनको रिसीव करने का काम एंटीना करेगा. नेक्स्ट इसके बाद है दो कंपाउंड आइज. ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे सिंपल आइज या ओमेटिडिया से मिलकर बने होते हैं जो इसकी सिंगल यूनिट है. तो उन ओमेटिडियास के मिक्सचर के साथ या फिर मोज़ेक विज़न इंसेक्ट में होता है, इसीलिए इसे हम कंपाउंड आइज कहते हैं. तो एक पेयर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं विजुअल ऑर्गन है इंसेक्ट का. तो कंपाउंड आइज का नंबर भी यहाँ पे वन पेयर है. एडल्ट इंसेक्ट्स में बेसिकली कंपाउंड आइज जो है वो विजुअल सिग्नल रिसीव करने और देखने के काम आते हैं. इसके अलावा इंसेक्ट की बॉडी में या हेड में तीन सिंपल आइज हो सकते हैं या जिसे हम डॉर्सल ओसली कहते हैं. डॉर्सल ओसली या फिर इसे हम सिंपल आई कह रहे हैं. इसका जो नंबर है वो दो से लेकर तीन तक हो सकता है. ये भी विजुअल सिग्नल या विजुअल ऑर्गन की तरह काम करता है. जब हम इमेच्योर स्टेजेस की बात करें, लार्वास की बात करें, तब जो ये डॉर्सल ओसली या सिंपल आई है ये वहां पे एज ए विजुअल ऑर्गन काम करते हैं. लेकिन जब इंसेक्ट एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो कंपाउंड आइज देखने के काम आएंगे. और जो डॉर्सल ओसली होगा ये बेसिकली लाइट परसेप्शन का काम करेगा, या ये बोल सकते हैं जो इंसेक्ट का लाइट है उसको रेगुलेट करेगा. तो ये लाइट रेगुलेशन में हेल्प करेगा उस टाइम पे. इसके अलावा एक माउथ पार्ट होगा जिसके थ्रू फीडिंग की प्रोसेस होगी. तो माउथ पार्ट जो है ये बेसिकली फीडिंग के लिए है. तो इस तरीके से इंसेक्ट के अगर हेड की बात की जाए, ओवरऑल फंक्शन की बात की जाए हेड की, तो हम देखेंगे कि हेड का ओवरऑल फंक्शन किस तरीके का है. एंटीना, डॉर्सल ओसली और जो कंपाउंड आइज है ये तीनों ही सेंसरी है. हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस ले रहे हैं. इसीलिए पहला तो हो जाएगा सेंसरी परसेप्शन या सेंसेस रिसीव करने के लिए, और जो दूसरा फंक्शन हो जाएगा वो होगा इंजेशन या फिर जिसे हम बोल सकते हैं फीडिंग के लिए. तो इस तरीके से हेड का दो बेसिक फंक्शन है, सेंसरी परसेप्शन और इंजेशन या फीडिंग. अब हम देखते हैं सेकंड जो थर्ड टैग्मा था या थर्ड सेक्शन सेकंड सेक्शन था, इसका नाम था थोरेक्स. थोरेक्स जो है इसे तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स. तो जो सबसे आगे वाला जो फ्रंट की तरफ है उसे हम प्रोथोरेक्स बोलेंगे, मिड वाला जो है वो मीजो और जो लास्ट सेगमेंट है थोरेक्स का वो है मेटाथोरेक्स. तो ये इसका बेसिक सेगमेंटेशन हुआ इस सेक्शन का. अब हम इसको अगर डिवाइड इसके अपेंडेजेस यहाँ पे एड अप करें तो हम देखेंगे यहाँ पे तीन पेयर लेग होते हैं दोनों तरफ पे. हमने देखा था इंसेक्ट जो है वो ट्रैकेट हेक्सापोड या फिर तीन पेयर लेग वाला इंसेक्ट है. तो इस तरीके से देखेंगे इसके लेग की अगर बात करें तो ये हो गया फोर लेग. आगे वाले पेयर को हम बोल रहे हैं फोर लेग. बीच वाला जो पेयर है वो हो गया मिड लेग और जो लास्ट पेयर है वो है हाइंड लेग. तो इस तरीके से एक पेयर फोर लेग,
वन पेयर मिड लेग एंड वन पेयर हाइंड लेग, तो तीन पेयर लेग या सिक्स लेग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फोर लेग जो है वो प्रोथोरिक्स में होगा, मिड लेग जो है मिजोथोरिक्स में होता है, और हाइंड लेग जो है वो मेटाथोरिक्स में होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंसेक्ट के थोरेक्स में मीजो और मेटाथोरेक्स में एक एक पेयर विंग भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये आगे वाला जो पेयर है इसे हम बोलेंगे फोर विंग, और जो पीछे वाला विंग का पेयर है उसे हम बोलेंगे हाइंड विंग। तो वन पेयर फोर विंग होगा एंड वन पेयर हाइंड विंग, तो दो पेयर विंग्स यहाँ पे हैं, एक पेयर मीजो में और एक पेयर मेटा में। जो विंग है उसे कई बार टेरा कहा जाता है, टेरा, तो टेरा का मतलब होता है विंग। तो क्योंकि मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स जो है ये वो दो सेगमेंट्स हैं जिनमें विंग प्रेजेंट है, इसीलिए इन दोनों सेगमेंट्स को साथ में मिलाकर बोला जाता है टेरोथोरेक्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं वो सेगमेंट जो विंग को बेयर करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जा रहा है टेरोथोरेक्स। इसके अलावा दो पेयर स्पायरिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, कहाँ, मीजो और मेटाथोरेक्स में, जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स हैं, तो इन ओपनिंग्स के थ्रू ही इंसेक्ट सांस लेते हैं। तो दो पेयर स्पायरिकल होगा, स्पायरिकल्स और स्टिगमेटा, तो ये रेस्पिरेटरी ओपनिंग है, और दो पेयर प्रेजेंट होगा, एक पेयर मीजो में और एक पेयर मेटाथोरिक्स में। तो दो पेयर रेस्पिरेटरी ओपनिंग भी थोरेक्स में प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से अगर इंसेक्ट के थोरेक्स का ओवरऑल फंक्शन की बात की जाए, मगर देखेंगे तो हमको एक फंक्शन, क्योंकि लेग और विंग दोनों ही इंसेक्ट को मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसका पहला फंक्शन हो गया लोकोमोशन। और क्योंकि यहाँ पे स्पार्कल से स्टिग्मेटा प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन हो गया रेस्पिरेशन। तो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन जो है ये दो बेसिक फंक्शंस हैं इंसेक्ट के सेकेंड टैगमा या थोरेक्स के। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, अगर हम देखें एब्डोमेन, तो एब्डोमेन जो है इसे 9 to 11 स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, तो जिन्हें हम बोल सकते हैं यूरोमियर्स। तो यूरोमियर्स जो है वो बेसिकली एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूरोमियर्स कितने हैं, 9 to 11 यूरोमियर्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे, या 9 to 11 सेगमेंट्स हमको एब्डोमिन में देखने के लिए मिलेंगे। अगर यहाँ पे अपेंडिजेस की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपेंडिजेस नहीं होंगे, यहाँ पे बेसिकली हमने जो स्पैरिकल या स्टिगमेटा की बात की थी, फर्स्ट से लेके 8th एब्डोमिनल सेगमेंट तक 8 पेयर स्पैरिकल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए। तो पहला जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो है स्पाइरेकल या स्टिग्मेटा, इसका नंबर हम देख रहे हैं कितना है, 8 पेयर, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट टू 8th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो यहां से बेसिकली रेस्पिरेशन का काम होगा। इसके अलावा एब्डोमेन में रिप्रोडक्टिव जेनिटीलिया या एक्सटर्नल जेनिटीलिया जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि इंसेक्ट में मेल और फीमेल सेक्स से सेपरेट है। अगर हम मेल्स फीमेल सेक्स की बात करें तो फीमेल जो होगा उसमें 8th और 9th सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनिटीलिया प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्टिव हम एक्सटर्नल जेनिटीलिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर फीमेल है तो 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में जेनिटीलिया प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर मेल है तो मेल में ओनली 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव जेनिटीलिया होता है वो 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कई बार हमको लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में जहां पे एनस होता है उसके सराउंडिंग में सरसाई लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देते हैं, या अदर एब्डोमिनल अपेंडिजेस जो भी की सेंसरी फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल फंक्शन देखें थर्ड टैग्मा या एब्डोमिन का, तो एक फंक्शन तो हमको यहाँ पे दिख रहा है रेस्पिरेशन, सेकेंड फंक्शन जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जेनिटिलिया प्रेजेंट है, और थर्ड इसके अलावा, क्योंकि हमने देखा था माउथ के थ्रू यहाँ पे इंजेशन या फीडिंग की प्रोसेस हो रही थी, तो
तो उस जो खाया उसने इंसेक्ट ने फूड खाया है या बॉडी के अंदर लिया है, उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीशन भी एनस के थ्रू होगा। तो ये तीनों प्रोसेस जो है एब्डोमेन के फंक्शन में काउंट की जा सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। तो ये हैं तीन बेसिक फंक्शंस एब्डोमेन के। तो इस तरीके से ये इंसेक्ट का एक बेसिक हम बोल सकते हैं इंसेक्ट जनरल मॉर्फोलॉजी है।